हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना, सुबह का खाना जल्दी चढ़ा दिया है तो बना रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी। रात को सब लेकर के आए थे मटर पनीर, तो सोचा सुबह ही बनाऊँगी। रात काफ़ी हो गई थी तो कल नहीं बनाया, इसलिए सुबह बनाया है मैंने। तो ये बना रही हूँ मैं मटर, इसमें मटर मतलब मसाले कर ली है कि जैसे सारे सिंपल सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऐसे बनाते हैं, तो बस इसी हिसाब से बनाई है मैंने सब्ज़ी। आज खाना थोड़ा जल्दी चढ़ा दिया हमने, सुबह का खाना जो था मैं जल्दी चढ़ा दिया, क्योंकि हमें कहीं ना बाहर से दोपहर में कहीं जाना था, तो इस चक्कर में मैंने खाना जल्दी चढ़ा दिया था। तो बस ये पनीर डाल दूँगी, इसमें पनीर डाल दूँगी और उसके बाद वैसे सब्ज़ी 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। मटर पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा देर नहीं लगाती है, मटर भी हाल मसाले वैसे हो गए थी तो हाल जल्दी ही सब्ज़ी बन गई थी, तो बस से चला दूँगी। और इसमें मैंने पनीर संग ही डाल दिया था, तो बस मटर सब्जी बन चुकी है हमारी, धनिया उसमें ऐड कर दूँगी, तो बस साफ सब्जी तैयार है हमारी। उसके बाद बनाया मैं थोड़ी सी पूड़ी, क्योंकि छोटा वाला बेटा कह रहा था कि मम्मी पूड़ी बना लो, तो थोड़ी सी मैंने आलू की कचौड़ी बना ली। आज मौसम थोड़ा सा सही हो गया था, सही क्या हो गया था, सही भी हो गया तो गर्मी बहुत थी, तो नहा कह रही थी तो मेरा सिर भी नहीं सुखाया, अपने ऐसे ही बांध लिया फजूड़ा, जल्दी खाने में लग गई थी। तो बस ये आलू का भरता तैयार कर रही हूँ कचौड़ी के लिए, थोड़ी सी कचौड़ी और थोड़ी सी पूड़ी ही सेकूँगी। सुबह सुबह मन कर गया था सबका खाने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन हमने कच्चा खाना बनाया था, हमारे पक्का खाना नहीं बनता है रक्षाबंधन पर, तो बस सोचा था सबके यहाँ बच्चे कह रहे थे कि सबके यहाँ पक्का खाना बनता, हमारे यहाँ कच्चा बनता है, और वैसे पूड़ी बनाओ तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन सब जिद करने लगे तो फिर मुझे थोड़ा सा खाना बनाना पड़ा। तो वही थोड़ी सी पूड़ी और कचौड़ी संग संग ही बना ली मैंने, थोड़ी सी पूड़ी थोड़ी सी कचौड़ी ऐसे करके बना ली है, क्योंकि शाम को खाना तो रोटी ही बनेगी, अभी का सुबह का ही हम लोगों का खाना हो जाएगा। खाना क्या, नाश्ता भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा, तो बस यही बनाएगी। चाय के साथ सब लोग कचौड़ी भी ले ली थी, तो बस ये थोड़ी सी कचौड़ी और पूड़ी हो जाएंगी और मन भी रह जाएगा सबका। तो उसके बाद भी मैंने चाय वगैरह नहीं पिएगी, अपनी चाय पीऊँगी यहाँ के करने के बाद, तो बस ये इन लोगों ने तो पी ली है कि खाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं अपनी कचौड़ी वगैरह लेके। तो बस इन लोगों का नाश्ता पानी भी हो गया और खाना भी एक तरह से हो गया, क्योंकि अभी खा लेंगे फिर दोपहर में तेल कोई नहीं खाएगा खाना। तो बस ये पूरी सब कह रहे हैं कि करारी करारी सेको, करारी 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 के चक्कर बहुत लेट हो जाता है, फिर सबको एकदम से सेको तो फिर सबको करारी करारी बड़ी अच्छी लगती है, पूड़ी हो कचौड़ी हो कि बसी सेको मम्मी। तो बस ये सीखती जा रही हूँ, बात भी करती जा रही हूँ। इतनी गर्मी लग रही है मुझे इसमें, क्योंकि मैं सिर नहीं सुखाया तो गीले बाल बांध रखे पूरी, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, तो बस जल्दी सेक रही हूँ, जल्दी हो जाए उसके बाद फिर अपना चाय वगैरह पीऊँ जा करके, इस पंखे में बैठ करके 2 मिनट के लिए बैठ करके चाय पीऊँ। तो बस ये मैं अपना नाश्ता लगा लिया, थोड़ा सा रायता भी बनाया था, सॉरी एक कचौड़ी एक पूड़ी और एक बिस्कुट अपनी ले कर बैठ गई हूँ, बाल भी सुखाऊँगी अपने और चाय भी पीऊँगी। तो बस यहाँ करीब 8:30-9 का टाइम हो गया, करते करते कुछ कितना भी कर लो उतना टाइम हो ही जाता है, तो बस मैं अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ। फिर चाय पीऊँगी चैन से तसल्ली से, तो मैं चाय चैन से तसल्ली से नहीं पी लूँ, मुझे अच्छा लगता है कि खड़े खड़े चाय पी लूँ, चलते फिरते हाँ कभी कभी चलते फिरते भी पी लेती हूँ मैं, ज़्यादा काम कुछ ऐसा होता है तो पी लेती हूँ, लेकिन सुबह की चाय थोड़ी 2 मिनट के समय निकाल कर बैठ करके ही पीती हूँ चैन से बिल्कुल। तो यहाँ अपनी चाय हो जाएगी, और बाहर में मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा ख़राब है, ऐसा मौसम है, मतलब गर्मी भी है और थोड़ी सी वैसी भी है। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई यहाँ गर्मी, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी, बारिश हो रही थी तो ये फ्रिज की थोड़ी सी डलिया गंदी हो गई थी, तो मैंने इसे साफ़ करके रख दी, सब्ज़ी कुछ नहीं थी उसमें, खाली अरबी पड़ी हुई थी, तो उसे एक जगह उठा कर रख दी मतलब, और ये डलिया सेट करके साफ़ करके अच्छे से लगा दूँगी। तो ये काम कुछ नहीं है, तो विशेष काम कुछ नहीं था, बस बस खाली कपड़े पड़े उसे धोने के लिए उसे धोने जाऊँगी। बस दोपहर हो गई फ्रेंड, काम सारा हो चुका है। तो ये मेरी बेटी को कुछ गिफ्ट मिले थे, एक सूट का कपड़ा है उसकी चाची ने दिया था, ये पैसे हैं जो परिवार में उसने राखी बांधी थी भाइयों के अपने, उन लोगों ने दिए हैं। और ये मेरे छोटे वाले बेटे ने बिस्कुट का पैकेट दिया, रहे इनकी हैं ये जो मैंने दिए थे, तो जो बस थोड़े से छोटे से उसको गिफ्ट मिले हैं, रक्षाबंधन पर उसने राखी बांधी थी मतलब, तो उसके हैं ये। उसके बाद ये शाम को थोड़े से मोमोज लेकर आए थे, तो चाय के साथ मोमोज भी हो गए थे। और आज दिवाली फिर से मना ली, क्योंकि आज श्री राम जी की स्थापना हुई है अयोध्या में, तो बस सबने दीपक जलाए थे हमारे पड़ोस में गली में, तो हमने भी 5-7 दीपक जला दिए। मेरी त्यौहार कैसा भी हो सेलिब्रेशन ज़रूर करना चाहिए उसका, सब 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 मनाते हैं तो फिर हम के पीछे रहें, तो बस यही थोड़े से 5 दीपक जला कर 7 दीपक जला करके
त्यौहार मना लिया। तो देखो इस बार दिवाली, अब किसे, इस साल दिवाली 3 बार मन गई, एक बार तब बन गई थी और अब बन गई है, और एक अब दिवाली आएगी तब मनाएंगे। तो वही छोटी सी वीडियो बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।